नमस्कार मित्रों, आओ पढ़े चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके सामने कक्षा नवम क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 13 ग्रंथ श्री को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। सुकुमार कवि कहलाने वाले सुमित्रा नंदन का पंत जन्म 1900 में उत्तराचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गाँव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। वे बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। प्रस्तुत पाठ ग्रामश्री। ग्रामश्री नामक कविता में पंत जी ने गाँव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी चित्रण किया है। इसमें खेतों की लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियां, बाग बगीचों में विविध प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां और यमुना तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा करते पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि सारा का सारा दृश्य हमारे सामने साकार हो उठता है। इनकी काव्य रचना को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसके काव्यास नंबर एक, भाग एक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा जलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब इसमें बार बार तलक, तलक का मतलब होता है तक, मतलब वहां तक। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली हुई है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर ऐसा लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। ऊपर वनस्पति पेड़ पौधों के बीच से जब सूर्य की किरणें जमीन पर गिरती है तो एक जाली नुमा दृश्य उत्पन्न होता है, उसको चांदी की जाली कहा है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। अब इसका काव्यांश नंबर दो, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। किंकड़िया शब्द का मतलब होता है कर्दनी में लगे हुए जो छोटे छोटे घुंघरू है उनको बोलते हैं। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। गांव के इस सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी और रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जो और गेहूं के पौधों में बालियां निकल आई है, मतलब वो पकने के लिए तैयार हो गए हैं। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां करदनी में लगे हुए घुंघरों की तरह बज रही है, सुशोभित हो रही है। चारों ओर सरसों के फूल हैं जिसमें तेल की गंध फैली हुई है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लग गए हैं। हमने देखा है इसमें कि पूरा का पूरा जो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर होता है उस दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक ग्रामीण परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। अब अगला काव्यास, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज खड़ी। छिमिया का मतलब होता है फलिया। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रतों से व्रतों तक। व्रत का मतलब होता है डंटल, जो फूल है जब खिल करके जब नीचे गिर जाता है तो जो हिस्सा बचता है उसको कहते हैं व्रत। कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, वहीं बगल के खेत में बैंगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है जैसे मटर सखियों साथ साथ हंस रही हो। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि वे मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं।
चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो फूल ही उड़कर वृंतों पर जा रहे हैं, क्योंकि तितलियों का दृश्य फूलों पर मंडराने का अत्यंत सुंदर होता है। जब तितली उड़ करके दूसरे फूल पर जाकर के बैठती है तो हमें ऐसे लगता है कि फूल उड़ रहे हैं और एक दूसरे वृंतों पर जाकर बैठ रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे मौसम में आम की डालियां पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई है। एक ओर आम में बोर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। कोयल की मदमस्त होकर उड़ती फिरती है। फूल आने से कटहल महक उठा है और जामुन के फूल अभी अध खिले हैं। जंगल में जर बेरियां लद गई है, आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक ओर जहां नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली और सब्जियां तैयार हो गई है। प्रकृति के अंदर फल फूल वनस्पतियां सब्जी और दूसरी जो हरियाली है अपनी सुंदरता की पराकाष्ठा पर है, और इसमें फल फूल और सब्जियों की सुंदरता का वर्णन किया है। अगला काव्यास, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। चित्तियां का मतलब होता है जैसे निशान, ठीक है ना, उनके पकने के निशान, जिनको आधार मानकर हम सोचते हैं ये फल मीठा होगा। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गई सुनहरे मधुर बेर, औंली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लोकी औ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहता है कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे चित्तियां पड़ गई है, बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं, और आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जुड़े हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है, धनिया अपनी महक बिखेरने लगी है, लौकी और सेम की लताएं फलकर तैयार हो गई है, टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है, और मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्ची के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली के समान दिख रहे हैं। इस प्रकार की प्रतीति कवि को हो रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती, सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। सुरखाब चकवा पक्षी को कहते हैं और मग रोटी है मुर्गा भी नाम का एक पक्षी होता है। कवि कहता है कि गंगा की सतरंगी खेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सांप है उस रेत पर लौट रहे हैं। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई गई झोपड़ियां सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही है। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हैं। बहते पानी में सुरखाब चक्रवाक पक्षी है तैर रहे हैं तथा रेतीले किनारे पर मगरोटी नामक पक्षी सोया हुआ है। यह गंगा नदी के तट का दृश्य उत्पन्न हुआ है। और अंतिम है यहाँ पर काव्यांश, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नब आच्छादन, निरुपम हिंत हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कि वह हंस रही है, सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसा कर सो गए हैं,
उससे रात भीग चुकी है और तारों की चमक फीकी पड़ने लग गई है। वे सपनों में खो गए हैं और सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न के खुले डिब्बे सा लगता है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम के आवरण जैसा लगता है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है और ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मित्रों, यह काव्य, इस काव्यांश का यह पाठ का सार हुआ। आप इसको बार बार वीडियो को देखें और पोज करके इसका भावार्थ भी समझें और इसके प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़ें चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इसके वीडियो शानदार और जानदार होता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, बिना धन उपार्जित किए विद्यार्थियों का हित करना, जिसमें हम लगे हुए हैं। नमस्कार।